नमस्कार, मैं आलोक सिंह। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ चुकी है और अब तक परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों के पास पहुंच चुकी होगी, चाहे वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हो या फिर आयु हो, अर्हता हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 21 साल से 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं और जो बीएड डिग्री धारक हैं या बीएड करने के बाद टेट पास कर चुके हैं या अभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वो सभी लोग इस परीक्षा को देने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक बड़ी संख्या में इस फॉर्म को भर रहे हैं। शायद वो खंड शिक्षा अधिकारी के पद को प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बतौर अध्यापक पद से बेहतर मानते हों, या न भी मानते हों तो हमारे यहाँ रिवाज बन गया है फॉर्म भरने का, इसलिए सभी लोग भर रहे हैं। इसलिए जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं वो सावधान रहेंगे, इस गलतफहमी में न रहेंगे कि हम फ्रेशर हैं और निकाल लेंगे, क्योंकि इस पद के लिए वास्तविक दावेदार आपके सीनियर्स हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि परीक्षा मार्च में संभावित है, आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा चूँकि मार्च में संभावित है, इसलिए देर न करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ऑनलाइन बैच आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन बैच में प्रवेश भी आज से प्रारंभ है और क्लासेस भी आज से प्रारंभ है। इसलिए आप सभी लोग जो बीएड कर चुके हैं या टेट पास कर चुके हैं या प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी पद धारण करना चाहते हैं या इस परीक्षा को देना चाहते हैं, वो सभी लोग अगले 2 से 3 दिनों में हमारे ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले लीजिए। कक्षाएं आज से ही चलना प्रारंभ हो जाएंगी। रवि तिवारी जी के घर में किसी का देहावसान हुआ, डेथ हो गई उनके घर में, किसी रिश्तेदार का हुआ है और उन्हें अचानक से कल निकलना पड़ा, लेकिन रवि जी अगले 3 से 4 दिनों में रीजनिंग की कक्षाएं शुरू कर देंगे। फिलहाल जब तक रवि जी 3-4 दिनों में नहीं आ जाते हैं, वैसे वो अपने वीडियो संभवतः है कि वहां से भी अवेलेबल कराएंगे, तो जब तक रवि जी नहीं आ रहे हैं, आज से इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और गणित की कक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं, आज ही से। जी हाँ, कक्षाएं सीरियल वाइज चलेंगी, मतलब एक क्रम से कक्षाओं की शुरुआत हो रही है। जब सभी लोग आप एडमिशन ले लेंगे तो हमारे वेबसाइट पर कक्षाएं उसी क्रम में आगे निरंतर हो जाएंगी, यानी वो कक्षाएं दोबारा रिपीट नहीं की जाएंगी, वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगी ये कक्षाएं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन कक्षाएं आगे से आपको निरंतर मिलती रहेंगी वेबसाइट पर। इतिहास डॉक्टर जी कृष्णा द्वारा पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन अध्यापक इतिहास के, निश्चित रूप से आप इनसे पढ़ने में आपको आनंद आएगा और आप इनसे पढ़ना चाहेंगे। डॉक्टर जी कृष्णा की कक्षाएं आज से ही आपको मिल रही हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनको देखेंगे, परखेंगे और पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, बहुत ही अनुभवी अध्यापक हैं। भूगोल गौरव निरंजन द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है आज से, भारतीय राज्य व्यवस्था बीके शुक्ला द्वारा आज से प्रारंभ किया जा रहा है और मैथमेटिक्स संदीप तिवारी द्वारा आज से प्रारंभ किया जा रहा है। रवि पी तिवारी जी अपनी रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लासेस जनवरी के पहले या दूसरे दिन से लेना प्रारंभ कर देंगे, जनवरी 2020 के पहले या दूसरे दिन से। चूंकि परीक्षा संभावित है मार्च में, इसलिए देर करना ठीक नहीं लगा। पहले रवि पी तिवारी जी ने कहा था कि कक्षाएं 4 तारीख से शुरू होंगी, 4 जनवरी से, लेकिन चूंकि आप छात्रों ने लगातार निवेदन किया कि लेट हो रहा है, इसलिए हमें विचार करना पड़ा और कक्षाएं प्रारंभ करनी पड़ी। एडमिशन लेने का तरीका लगातार नीचे स्क्रॉल कर रहा है, वहां भी आप देख सकते हैं एडमिशन लेने का तरीका, या मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी बता दूं। चूंकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां आपके पास हैं, इसलिए उस पर समय न नष्ट करते हुए मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बता देता हूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8112378577, यहां साइड में भी लिखा हुआ है 8112378577। इस पर आप एंट्री फॉर बीईओ लिखकर भेजेंगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस बताया जाएगा। फीस यथासंभव मिनिमम रखी गई है, कम से कम फीस रखने का प्रयास किया गया है। मैं आपको एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि आप सभी लोग अब तक जान चुके होंगे, लेकिन एक बार बताना ये कर्तव्य है कि एक ही प्रश्न पत्र होगा, चूंकि परीक्षा 2 चरणी है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा मार्च में है, मुख्य परीक्षा की अभी कोई संभावना नहीं है। चूंकि अभी बड़ी चुनौती प्रारंभिक परीक्षा है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम बैच पहले लॉन्च कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने वाले लोग, तो ऐसे लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए फीस में
50% पूरा डिस्काउंट दिया जाएगा, आज से ही मैं बोल दे रहा हूँ। इसलिए जो लोग भी एडमिशन लेंगे अपनी रसीद को अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि जब वो मुख्य परीक्षा देंगे तो उनकी फीस को 50% कम कर दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के समय। तो अभी ये जो हमारा बैच लॉन्च हो रहा है ये पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक ही प्रश्न पत्र होगा प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि बहुविकल्पीय होगा। इस प्रश्न पत्र को नाम क्या दिया गया है? जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन नाम दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा, 2 घंटे और 300 अंकों का होगा। इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न 250 अंकों का बन रहा है। प्रश्न पत्र को नाम दिया गया है सामान्य अध्ययन, लेकिन प्रश्न पत्र में रीजनिंग और गणित के प्रश्नों के अधिक आने की संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि यह प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इससे पहले लोअर सबॉर्डिनेट की परीक्षाएं जब आयोजित की जाती थी तो उसमें भी रीजनिंग और गणित के प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक पूछे जाते थे। जो लोग सोचते थे कि ये केवल सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, उन्हें बहुत नुकसान होता था। इसलिए रीजनिंग और गणित की अच्छी खासी भूमिका रहेगी। उम्मीद है कि 40 से 45 प्रश्न आपके केवल रीजनिंग और गणित से होने चाहिए। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न होंगे। साथ में भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी भारत के प्राकृतिक संसाधन से सवाल पूछे जाएंगे। भारत के प्राकृतिक संसाधन और भूगोल गौरव निरंजन द्वारा पढ़ा जाएगा। रीजनिंग और करंट अफेयर रवि पितिवारी द्वारा। भारतीय इतिहास के साथ साथ माना जा रहा है कि विश्व इतिहास के भी कुछ हिस्से संभवतः पूछे जा सकते हैं, 2-4 प्रश्न। ये पूरा हिस्सा आपको राष्ट्रीय आंदोलन समेत डॉक्टर जी कृष्णा द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आज से, जैसा कि मैंने पहले कहा, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और मैथमेटिक्स की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आज से आप इन्हें देखिए और ये कक्षाएं क्रमशः चलेंगी, और इसलिए आप अगले 2 से 3 दिनों में एडमिशन ले लीजिए। आपके मैसेज का हम इंतजार है। जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करते हुए तुरंत हम एडमिशन की प्रक्रिया बताएंगे। आप जितनी जल्दी हमारा यहाँ एडमिशन लेंगे, हमारे अध्यापकों के उतने ही निकट संपर्क में आएंगे, हमारी भावी योजनाओं के बारे में और नज़दीक से जान समझ सकेंगे और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दे पाएंगे आज से ही। तो इंतजार है। नमस्कार।